कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना कि इस मैक 7219 के डिस्प्ले बोर्ड को यूज़ करके हम कई सारे प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। वेल, तो मैं आज बताऊंगा 32 बैंड का म्यूजिक स्पेक्ट्रम बनाना। इसमें म्यूजिक के साथ साथ में LED भी नाचेगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सारे कंपोनेंट्स को चाहिए: एक पुश बटन स्विच, 200 किलो ओम के रजिस्टर, 3 4.7 किलो ओम के रजिस्टर, एक 10 किलो ओम के रजिस्टर एंड दो पीसेस 100 नैनो फाराड यानी कि 104 के PF। अब इन कंपोनेंट्स को इस अर्डिनो में हमें कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड की वायरिंग सेम रहेगी जैसा हमने पहले किया था। तो इस सर्किट डायग्राम के अनुसार मैंने इन कंपोनेंट्स को इस अर्डिनो में मैंने कनेक्ट कर लिया है। गाइज, यहाँ पे अर्डिनो यूनो भी आप यूज कर सकते हो। अब हमें ऑडियो इनपुट देने के लिए 3.5 mm का ऑडियो जैक चाहिए और उसके लेफ्ट राइट और ग्राउंड पिन को मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आइए गाइज इस अर्डिनो में अब हमें कोडिंग करना होगा। उसके लिए ऑडियो जैक को मैं लैपटॉप में ही लगा देता हूँ क्योंकि ऑडियो भी इसी से मैं प्ले करूंगा और फिर USB केबल को लगा देता हूं कोडिंग करने के लिए। सिस्टम ऑन होते ही Arduino के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ध्यान रखना कि सिस्टम हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। गाइज, इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हमें जाना है स्केच में, फिर इंक्लूड लाइब्रेरी, मैनेज लाइब्रेरी में क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा हमारा विंडो पे और ये प्रोसेस होगा, थोड़े ही देर में प्रोसेस हो जाएगा। या प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे हमें इस सर्च बार वाले ऑप्शन में सर्च करना है Arduino FFT और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का एक लाइब्रेरी फोल्डर आ जाएगा और इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होने लगेगा और बस बहुत ही जल्द ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। बस यहाँ से हमें कट करना है और कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप कोड को डाउनलोड कर लेना और वो कोड कुछ इस तरह से खुल के आएगा। मैं दिखा देता हूँ कोड को, ये मेरा रहा कोड, सेम टू सेम ऐसा ही लिखा रहेगा उसमें भी। और ओपन में क्लिक करना है और कुछ इस तरह से कोड हमारा खुल के आ जाएगा। और ये कोड है हमारा गाइज, टोटल कुछ इस तरह से दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना सेम टू सेम। उसके बाद हमें इस कोड को अपलोड कर देना है इस Arduino नैनो बोर्ड में। तो ये देखिए कॉम Arduino नैनो यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड है। अब डायरेक्ट मैं अपलोड के बटन में क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ इस कोड को। यहाँ पर मैं म्यूजिक इसी लैपटॉप से बजाऊंगा, तो लैपटॉप का ही म्यूजिक आप फोन से भी बजा सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरह से चल रहा है और यहाँ पे एक गाना भी हमारा प्ले हो रहा है जिस कारण से ये शो कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक गाना मैंने प्ले कर रखा था यूट्यूब में ऑलरेडी ही, और अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी मैंने स्टॉप कर दिया है इस म्यूजिक को। जैसे ही मैं प्ले करूंगा देखना यहाँ पे व्यू मीटर कुछ इस तरह से म्यूजिक स्पेक्ट्रम काम करेगा। देखिए मैंने ऑन किया और म्यूजिक के साथ में यह काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने दूसरा म्यूजिक लगाया और म्यूजिक के अनुसार कुछ इस तरह से म्यूजिक स्पेक्ट्रम हमारा काम कर रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कौन सा म्यूजिक प्ले हो रहा है। उसके लिए मैं एक एम्पलीफायर को कनेक्ट कर देता हूँ इसी वाले, इसका जो ऑडियो आउटपुट है ना वहाँ पे, कि बनारस से कोई आम लेकर आया है। ये रहा मेरा एम्पलीफायर और मैंने इसमें ऑक्स केबल को एक कनेक्ट कर दिया है और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। लाइन इन मोड पे आ चुका है और अब मैं एक म्यूजिक प्ले करता हूँ अपने लैपटॉप पे। और देखिए म्यूजिक के साथ में ये भी यहाँ पे स्पीकर भी चलेगा और जो म्यूजिक स्पेक्ट्रम है वो भी शो होगा। देखना भी जैसे ही मैं प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ। बात का है